सुप्रीम कोर्ट के इस ऑडिटोरियम में जैसे ही एक साथ 9 जजों ने शपथ ली, 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस की तस्वीर भी करीब करीब साफ हो गई। इस शपथ के साथ सुप्रीम कोर्ट को 9 नए जस्टिस मिल गए, जिनमें 3 महिला जज शामिल हैं। जिन जिन महिला जजों ने शपथ ली है उनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना के साथ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सबकी नजरें जस्टिस नागरत्ना पर थीं। जस्टिस नागरत्ना वरिष्ठता के हिसाब से सितंबर 2027 को देश की पहली महिला जस्टिस होंगी। बतौर चीफ जस्टिस बीवी नागरत्ना का कार्यकाल करीब 36 दिन रहेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना के पिता जस्टिस ईएस वेंकटमैया 1989 में चीफ जस्टिस बने थे। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने 1987 में कर्नाटक हाई कोर्ट से वकालत शुरू की थी और 23 साल तक वकालत के बाद उन्होंने बतौर जज भूमिका संभाली। जो 9 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए हैं। कोर्ट जजेस के सीनियोरिटी के मामले में जस्टिस नागरत्ना अभी 33वें स्थान पर हैं। अगर भारत सरकार मोहर लगाती है तो 23 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक वो पहली चीफ जस्टिस का पद संभाल सकती हैं। जस्टिस नागरत्ना के हिस्से ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले हैं जो न्याय व्यवस्था में मील का पत्थर साबित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम था।